दिल्ली और पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में बदलाव की उम्मीद लेकर चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ आप प्रभारी गोपाल राय दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं, जिनके नेतृत्व में आज विजय रैली निकाली गई। इस रैली के बाद आप की सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। गोपाल राय ने न्यूज 24 से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मौका देकर देख लिया, अब प्रदेश की जनता आपको मौका देना चाहती है, आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है, ये गोपाल राय का दावा है। दिल्ली और पंजाब में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ पहुंची है और आज आप देख सकते हैं कि उनकी विजय रैली निकल रही है। विजय रैली के बाद आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होगी। हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा? निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के बाद से उत्साह है। हजारों की तादाद में लोग रोजाना आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क कर रहे हैं, तो आज के विजय यात्रा के बाद पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर सदस्यता अभियान पार्टी शुरू करने जा रही है, जिसमें मेरी छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से अपील है, खास तौर से नौजवानों से, कि आगे बढ़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन करिए। हम मिल करके छत्तीसगढ़ को बदलेंगे, बदल छत्तीसगढ़ के नारे को साकार करेंगे। सर, जैसे कि ये रैली निकाल रहे हैं, इस रैली के माध्यम से क्या संदेश है? संदेश एक ही देना चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी इकट्ठा हुआ, दिल्ली में बदलाव हुआ, पंजाब में आम आदमी इकट्ठा हुआ, पंजाब में बदलाव हुआ, छत्तीसगढ़ के आम आदमी अब इकट्ठा होकर के छत्तीसगढ़ को बदलेंगे। क्या लगता है इस बार मिशन 2023 में क्या छत्तीसगढ़ में जीत हासिल होगी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को भी मौका दिया, भाजपा को भी मौका दिया, इस बार लोग मिल करके बदलाव को मौका देंगे। यहाँ पर लेकिन ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां सक्रिय दिखती, आम आदमी पार्टी कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रही थी, अब कैसी रैली के बाद क्या आम आदमी पार्टी की सक्रियता देखने को मिलेगी? पूरे देश में यही दोनों सक्रिय दिखते हैं, पंजाब में भी यही दोनों सक्रिय थे, लेकिन लोग इनकी राजनीति से लोग परेशान हैं। 75 साल से इन्हीं को मौका मिला है, अब लोग बदलाव करना चाहते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बदलाव जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।